आप बिहार से हो और ऑस्ट्रेलिया में आप सेटल्ड एक व्यापारी हैं, आपका बिजनेस है उधर, आप अच्छा खासा इनकम करते हैं, आप बच्चों को जो है वहां पढ़ा सकते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, मतलब बिहार का बना हुआ सामान ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट करेगा बिहार से, यूएस भी करेगा, यूके भी करेगा, हर एक जगह बात चल रही है, इसके लिए आप लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बात पूरी जो है खाका तैयार है, प्लानिंग तैयार है, बस सिर्फ जो है इसकी शुरुआत करनी है। अभी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बिहार के लाल प्रवीण कुमार जी हैं और इनकी स्टोरी आपने सब कोई सुनी होगी। आज हमारे ऑफिस में आए हैं प्रवीण जी, और प्रवीण जी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और बीटो नामक संस्था के माध्यम से जो है बिहार के उन्नति के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं। बीटो क्या है, बीटो के बारे में आज हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि बीटो के माध्यम से बिहार के लोगों को आखिर कैसे रोजगार मिलेगा और बिहार को कैसे एक नई दिशा में बीटो के माध्यम से ले जाकर बिहार को प्रगतिशील से जो है विकसित बनाने का जो है प्रयास किया जाएगा। सर सबसे पहले स्वागत है प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिस में आने के लिए और आज आपने पहली बार इस चेयर पर बैठकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, बहुत सारा नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपको और इनफैक्ट पूरी टाइम सफर की टीम को, और आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आप कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऑफिस खोला है, और बीटो इज ऑल अबाउट बिहारी स्मिता, और यही तो आप कर रहे हैं यहाँ पे, एक वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट स्टूडियो और ऑफिस अगर आप बिहार में खोल रहे हैं, पटना में, हर्ट ऑफ पटना में, वही बिहारी स्मिता, वही बीटो का काम है, हम भी वही हम बड़े स्तर पे करने का सोच रहे हैं और इसको फैलाना चाह रहे हैं हम लोग। बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप जो है ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, बीटो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी प्रवीण जी, क्योंकि आप बिहार से हो और ऑस्ट्रेलिया में आप सेटल्ड एक व्यापारी हैं, आपका बिजनेस है उधर, आप अच्छा खासा इनकम करते हैं, आप बच्चों को जो है वहां पढ़ा सकते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, फिर बीटो के माध्यम से बिहार के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बीटो इज ऑल अबाउट बिहारी स्मिता है, बिहारी स्मिता के लिए, और बिहारी स्मिता के लिए हर एक बिहारी को सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, अमेरिका में रहे, पटना में रहे, जमशेदपुर में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, बीटो तो एक सोच है, ये सोच बिहारी स्मिता को लेकर के है। तो हम जब ऑस्ट्रेलिया में है, सेटल्ड है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है गिव बैक टू अवर स्टेट, क्या हम अपने स्टेट को दे सकते हैं, हम एक अनुभव दे सकते हैं, हम एक कनेक्ट दे सकते हैं, हम एक नेटवर्क दे सकते हैं, हम सारे बिहारियों को, बिहारी डायस्पोरा को जो बिहार में चेंज लाना चाहते हैं उनको जोड़ सकते हैं, बीटो वो कर रही है ताकि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, बिहार में टूरिज्म बढ़े, बिहार में शिक्षा में सुधार आए, बिहार में स्वास्थ्य में सुधार आए, और एक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल की चीजें यहाँ पे आए, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं। चिराग पासवान जी आप ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं बीटो के, लेकिन चिराग पासवान जी भी बीटो से जुड़े हुए हैं और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बिहार में उनके मतलब जो बिहार के लोगों का डेवलपमेंट है उसमें चिराग पासवान जी का बीटो के माध्यम से कुछ सहयोग रहेगा? देखिए वो बीटो एक ग्लोबल चेयरमैन है और बीटो कॉन्सेप्ट में आज से 9 साल पहले आ गया था जी, जब 2015 में पहली बार चिराग भाई ने संसद में जमुई के लछवाड़ में जैन मंदिर को, जैन सर्किट को लेकर काम शुरू किया था, काम तो तभी शुरू हो गया था। हाँ बीटो पेपर पे 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बना, जब चिराग भाई ऑस्ट्रेलिया है और हमारे विचारों में बहुत ज्यादा समानता थी बिहार को लेकर के, उनमें उनका जो विजन था बिहार को लेकर के, मुझे लगा कि शायद अगर एक डायस्पोरा उनको हेल्प करे तो चीजें आसानी से हो जाएगी। हमें चिराग भाई की उतनी ही जरूरत थी, क्योंकि इसलिए जरूरत थी कि उनके नेतृत्व में, उनके अनुभव से, हम प्रशासक वर्ग के नहीं है, हम बाहर रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक विजन है हमारे पास चीजों को लेकर के, एज ए इंडिविजुअल है, एज ए ना, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, वो हर एक क्षेत्र के, शिक्षा में के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, कोई वहां के ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा है, कोई वहां के पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, वो सब सामूहिक एक कैसे अनुभव हम बिहार में लाके डाल सके एक साथ, और उसमें अगर चिराग भाई का नेतृत्व मिला हुआ है तो हमारी चीजें और आसान हो जाती है। बीटो की स्थापना कब हुई और बीटो के माध्यम से जो है बिहार के अंदर अभी आप लोगों ने क्या क्या परिवर्तित करने का और क्या क्या नया कार्य करने का प्रयास किया? बीटो की स्थापना लास्ट ईयर हुई थी, जैसे पेपर में जो मैंने बोला सिडनी में हुई थी, चिराग भाई आए थे ऑस्ट्रेलिया, उसमें हुई थी। इसमें सबसे पहला काम जो हम लोग कर रहे हैं कि बिहार के स्टार्टअप्स को हेल्प मिले, इन टर्म्स ऑफ उनको गाइडेंस मिले, उनको फंडिंग दिलवा सकें, और सेकंड जो है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक हमारा पायलट इनिशिएटिव है, हम जम्मू में एक हॉस्पिटल है उसको हम बीटो अपने मैनेजमेंट के अंदर लेकर के कैसे वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 108 बेड का हॉस्पिटल है उसको हम करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली दैट इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। थर्ड है
स्किल बेस्ड एजुकेशन का, बिहार स्किल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना हो चुकी है, इसकी सोच हो चुकी है, स्किल रहेगा तभी बाहर के राज्यों में लोग जाकर रोजगार खुद से उत्पन्न कर पाएंगे। और नहीं, और यहाँ रहकर के स्किल, अगर स्किल है तो यहाँ पे स्किल की कमी, स्किल्ड लेबर की कमी और बिहार में एकदम से नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे तो उनको सबसे पहला चीज चाहिए होगा कि स्किल्ड लेबर चाहिए। लेबर मैं उस तरह से बोल रहा हूँ, हर एक लेवल का। और अगर 50 गुना ज्यादा इंडस्ट्री आप सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में यहाँ पे आए, तो आपको 50 गुना बड़ा फोर्स भी है, लेबर फोर्स भी चाहिए यहाँ पे उस चीज को। तो स्किल जरूरी है। डिग्री लेने से क्या होगा, सिर्फ डिग्री ले लें कि हम साइकोलॉजी में डिग्री ले लिए हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, हम क्या करें, कुछ भी कर सकते हैं, तो डिग्री किसी काम की नहीं है। लेकिन चाहे आप कारपेंटरी का ही कोर्स करें, प्लम्बिंग का ही कोर्स करें, या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसको इस तरह से मॉड्यूलेट किया जाए कि उसका स्किल का डायरेक्ट यूज हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाई की थी मेरा किसी काम का नहीं था, मेरे जब मैंने जॉब करने गया, तो क्या उसी को हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो और इसमें अगर जो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में टेफ करके ऑर्गेनाइजेशन है जी, उनके साथ हम टाई अप करेंगे, कैसे वो वहां पे वो काम कर रहे हैं कि वहां पे बेरोजगारी की समस्या दूर हो रही है, क्योंकि लोग स्किल्ड हैं जी। तो बस वही चीज हम यहाँ करना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहकर प्रवीण जी जो है बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि विगत कई सालों से जो है ऑस्ट्रेलिया में तो ये सेटल्ड हैं, बेल सेटल्ड हैं, लेकिन बिहार के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो दूसरे के जीवन में बाहर लाते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जो बिहार से बाहर तो गए लेकिन बिहार में आकर बिहार के लोगों के जीवन में बाहर लाना चाहते हैं, और यही कारण है कि आज बीटू के माध्यम से तमाम जगहों पर जो है बिहार के अन्य अन्य जिलों में बेहतरीन काम करने का जो है कार्य कर रहे हैं। बीटू लोगों को स्किल्ड बनाएगा, इसके बाद जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, रोजगार के क्षेत्र में काम करेगा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या रही है पलायन, पलायन से कैसे निपटा जाएगा? पलायन लोग करते जा रहे हैं, ट्रेन भर भर कर जा रहे हैं, ट्रेन भर भर कर आ रहे हैं, छठ पर लोगों को और दीपावली पर ट्रेन में जो है जगह नहीं मिलती है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, और रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा, तो रोजगार कैसे मिलेगा और पलायन कैसे रुकेगा, ये सवाल है। इसमें जो हमारा विजन है जी, हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। देखिए बिहार की जो स्ट्रेंथ है हमारा ना, हमारे जो सांस्कृतिक प्लेसेज है, धरोहर है, हमारे जो रिलीजियस प्लेसेज है, नालंदा की बात प्रधानमंत्री जी ने हमारी की, आप जमुई लछवार की बात हम कर रहे हैं, आज मैं गुरुद्वारा पटना साहिब गया हुआ था, बोधगया की बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, अगर इन जगहों को पूर्ण ढंग से विकसित किया जाए, अब जमुई मैंने इसके पहले आपसे बात की थी कि हमें जमुई साथ में चलना चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से वहां पे काम हुआ है। अगर उस चीज को हम रिप्लीकेट करें, जमुई का एग्जांपल दूं आपको, लछवार का 25,000 सैलानी आते थे पहले वहां एक साल में, आज के दिन में 10 लाख सैलानी आ रहे हैं, वो चेंज बहुत हमारा सीतामढ़ी में हो सकता है कॉरिडोर बनने के बाद। आज जो गुरुद्वारा साहब के जो प्रमुख थे उन्होंने बोला कि प्रवीण जी हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉरिडोर बने गंगा नदी से गुरुद्वारा तक। इमेजिन करें उस चीज को, जैसे काशी विश्वनाथ का बना है, अगर वो यहाँ पे बनता है तो टूरिज्म तो अपने आप बढ़ेगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा लोग बाहर जाएंगे, वो बिहार के बारे में अच्छी बातें करेंगे। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर वही तो लोग हैं ना जो बाहर में बैठे हुए हैं, तो उनको जो लगे कि नहीं माहौल चेंज हो रहा है यार, बाहर तो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो रहने के लिए भी जा सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो पलायन अपने आप रुकेगा। सच में बिहार को प्रवीण जी जैसे लोगों की जरूरत है, और जरूरत इस बात के लिए है कि भैया अगर ये बिहार के और बिहारी अस्मिता के बारे में सोचेंगे, अपने कल्चर, अपने टूरिज्म, अपने विकास, अपने राज्य की उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो नो डाउट बिहार जो है वो तेज गति से विकास करेगा। जो है प्रवीण जी जो है इसी सपने के साथ लगातार बीटू के माध्यम से लोगों को संगठित करके सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार में विकास कैसे हो, बिहार में डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हो, इसी तमाम मुद्दों पर लोगों को जोर जोर कर ये बता रहे हैं कि बिहार को जो है बदलना है, परिवर्तित करना है। बिहार गाली नहीं होना चाहिए, बिहार जो है वो मान सम्मान स्वाभिमान होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया में भी तो आप मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जो है कार्य कर ही रहे हैं बिहार के लिए। जो है मैं समीर जी से मिला था आपके साथ, उन्होंने भी जो है लॉर्ड मेयर बनकर बिहार का नाम रोशन किया, और वो आपके काफी अच्छे मित्र हैं, वो भी बीटू से जुड़े हुए हैं, तो बड़ा खुशी होता है कि आप लोग बीटू के माध्यम से बिहार को परिवर्तित कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य बताइए जो आने वाले समय में आप लोग बीटू के माध्यम से बिहार में करने वाले हैं। डेफिनेटली सबसे पहले जो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट लाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें चाहे किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा, दो क्षेत्र हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, फूड प्रोसेसिंग में और सर्विस सेक्टर। बिहार का मखाना जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार का मखाना जो है वो पैकिंग होता है तमिलनाडु में, इसके बाद जो है चंडीगढ़ में, लुधियाना में, पंजाब में, हाजीपुर का केला जो है बहुत फेमस, लेकिन उसकी पैकिंग होगी बाहर। तो इन चीजों के ऊपर कोई मतलब आपकी प्लानिंग है कि कैसे इनको बेहतर किया जा सके? बहुत ही बृहद लेवल की प्लानिंग चल रही है
का सच कहूं तो हम लोग पूरे बिहार में 5000 बीटो स्टोर की का एक थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हैं। उसमें बीटो स्टोर में क्या होगा कि बिहार में बनी हुई चीजों को हम प्रमोट करेंगे, दूसरा होगा कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो उसको रन करेंगी। हर एक वार्ड लेवल पे एक बीटो का स्टोर होगा जहां पे बिहार की बनी हुई चीजों को एट द सेम टाइम जितना हम बिहार में बेचेंगे उससे 10 गुना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करना है। हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हम बात कर रहे हैं चूंकि बिहार में बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, हम 12 एक्सपोर्टर इम्पोर्टर से वहां बात कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, 6 इम्पोर्टर में यूएसए बात कर चुके हैं। मतलब बिहार का बना हुआ सामान ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इम्पोर्ट करेगा बिहार से, यूएस भी करेगा, यूके भी करेगा, हर एक जगह बात चल रही है। इसके लिए आप लोग बात कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बात, पूरी जो है खाका तैयार है, प्लानिंग तैयार है, बस सिर्फ जो है इसकी शुरुआत करनी है। बीटो इतना बड़ा ब्रांड बनेगा, हमारे प्राइड को लेकर हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई चीज रहेगी। इतना ज्यादा बीटू लोगों को दिखना चाहिए ना, चाहे वो बिहार के हो में हो या बिहार के बाहर हो, यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कि बिहार बीटो से बिहार नाम जुड़ा हुआ है, बिहार और वो अस्मिता वहां पे अपने आप आएगी जब देखेंगे कि हर एक मैक्सिमम चीज बिहार की बनी हुई है, मेड इन बिहार है, आएगी अस्मिता। एक एक ध्येय है, हमारा कोई सपना नहीं है, ये हमारा टारगेट है। हम ड्रीम नहीं करते हैं, हम टारगेट लेके चलते हैं, और आप अगले एक साल के अंदर देखिए कितनी चीज चेंज होने वाली है। चलिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जब ही जागो तभी सवेरा, और जब कोई युग पुरुष आगे बढ़ता है तो सच में परिवर्तन होता है। अगर प्रवीण जी ने सपना देखा है बिहार को बदलने का, बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का, तो सच में ये सपना जरूर साकार होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। और जब कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, और जब एक सारे मानव मिलकर एक पूरी कड़ी के साथ जोर लगाएंगे तो बिहार जरूर बदलेगा। बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले, ऑस्ट्रेलिया तक बिहार का परचम बुलंद करने वाले, बिहार के बारे में सदैव सोचने वाले हमारे साथ उद्योगपति जो है प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी जहानाबाद के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में विगत कई सालों से बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीटो नामक संगठन के माध्यम से जो है चिराग पासवान जी को जोड़कर पूरे बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का सपने के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं भैया थे, और इनसे हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। आज समय का अभाव है, इतना महत्वपूर्ण समय दिया आपने ऑफिस में आकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको मेरा सहयोग जो है वो निरंतर रहेगा, आप जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे हम लोग तन मन से और इस माइक के माध्यम से आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप खूब आगे बढ़िए भैया, शुभकामना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरी टीम को। चलिए मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण जी थे, और ये प्रयास प्रवीण जी का कैसा लगा आप अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।